दोस्तों, मैं आज आया हूँ वुड़को पुलिस चौकी के पीछे, राजकोट गुजरात में हूँ। यहाँ पे कपड़ा मार्केट लगता है, बड़े ही सस्ते कपड़े मिलते हैं। अभी हम लोग बैठे हैं, गन्ने का रस पी रहे हैं, आके बाजार के बाहर ही बैठे हुए। बाजार अभी शुरू हो रहा है और आप सब लोग देख सकते हैं, हम लोग गन्ने का रस पी करके एंजॉय कर रहे हैं। और साथ में हमारे भैया हैं, और सामने ये हैं और ये भी हैं जो गन्ने का रस निकाल रहे हैं। तो देखा आपने कैसे हम मार्केट में एंट्री हो गए हैं, और यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। जूते वगैरह, सैंडल 250 रुपये में 2 जोड़ी दे रहे हैं। आप खुद देख सकते कितना सस्ता सामान मिल रहा है। 250 रुपये में एक भी नहीं आते, यहाँ 2 मिल जाएंगे आपको आसानी से। और जब भी राजकोट आए, आप इस बाज़ार में ज़रूर एक बार आ जाए खरीदी करने के लिए। आपको बहुत ही सस्ती कम कीमत में आपको सामान मिल जाएगा। यहाँ पे आपको कपड़े से लगा कर जूते, सैंडल, पेंट, कैफी, लोअर, जीन्स, बर्तन, साड़ी, बेल्ट, शू, आप बहुत सारे सामान मिल जाएगा आसानी से। ये आप खुद देख सकते हैं, मैं जहाँ जहाँ तक मेरे कैमरे की नज़र जा रही आपको पूरा मार्केट दिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा मार्केट लगता है, कोई कमी नहीं है, बल्कि आपको हर लगभग लगभग हर सामान आपको यहाँ मिल जाता है आपके डेली यूजेस के लिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखते जा रहे हैं, सैंडल की दुकानों से आगे बढ़ते हुए हम जब निकलते हैं, तो यहाँ पर आपको देख लीजिए प्लेटें, बर्तन वगैरह भी आपको आसानी से, चीनी मिट्टी के बर्तन, कांच ग्लास वगैरह भी आपको मिल जाएगा, कप वगैरह मिल जाएगा। और भी जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, तो लोअर, कैफ्री और ये शर्ट्स वगैरह, टॉवल वगैरह, और जैसे मार्केट के हम लोग अंदर जाते हैं, बाकी चीज़ें भी आती रहती हैं हमारे सामने। ये कोहनी पे, ठंड पे, जिनको कोहनी घुटने वगैरह में प्रॉब्लम होती है, वह वहाँ पहनने के लिए, ये कलाई में प्रॉब्लम होती है, कलाई में पहनने के लिए स्पोर्ट्स आइटम है। और ये जूते, शू वगैरह है, आप आकर के यहाँ से ले सकते हैं। जो शॉप का प्राइस है और यहाँ के प्राइस में काफ़ी अंतर मिलेगा आपको। ये कैफरी लोअर, यहाँ से एक लोअर लेके मैं गया हूँ, मतलब जो भी आपको यहाँ पे जो लोअर आपको मिल रही है वो 150 रुपये में मिल जाएगी, बल्कि आप शॉप में लेने जाएंगे तो 200 रुपये, 250 रुपये आपको पकड़ सकते हैं। और कितने आप का में है ये? क्षमता है तो आप कम भी कर उसमें कितने का है? जाओ उधर, अब बोली जा तू चल लो अभी, जा जा उधर ही जा तो। बस भाई ऐसे पास आओ, ये कुछ नहीं है। हां क्रिस, ये 1050 है, ये 1100 है, ये 400 है, उसके नीचे एक और है वो भी 400 है, और बाकी लड़कों के लिए बाली वगैरह आइटम है इधर। ये भैया है राजकोट बुधवारिया, क्या बोल, भक्ति नगर बोलते हैं ना इसको, फिर हुड़को, बुधवारे हुड़को पुलिस चौकी के पीछे कपड़ा मार्केट है, उसी के अंदर में मिलेंगे आपको। और बाकी सब 20 रुपये। अच्छा, ये पूरी दुकान आपकी है यहाँ से वहाँ तक? ये भैया की है पूरी दुकान यहाँ से वहाँ तक। आप ये देखिए, भाई ऐसा है दूसरा भाई, बताना चाहूँगा कि अभी सुबह का ही टाइम है और मार्केट अभी सुबह शुरू हुई हुआ, 11 बज रहे हैं लगभग लगभग, और हम यहाँ पे आए हैं। आप लोग अभी मैं
बहुत जगह घूम घूम करके आया। मुझे यहाँ पर इन भैया के पास ये बंदूकें बड़ी अच्छी लगी। और एक बात बताओ तो कि ये किराए पे भी दे देते हैं बंदूक और लेके जाने के लिए, फ़ोटो खिंचाने के लिए, सेल्फी खिंचाने के लिए। एक घंटा बाद आपको एक घंटे का जो चार्जेस है इनको देना पड़ेगा। कहीं भी लेके जा सकते हैं और उनका सिक्योरिटी फीस आपको जमा करनी पड़ेगी। उसके बाद आप इसको लौटाने के बाद आपको पूरे कितने का दे रहे हैं? 20-20 रुपए में, 20-30 रुपए में इतने सस्ते कपड़े मिल जाएंगे। और आप लोग आ करके अच्छे से पूरी की पूरी मार्केट सजी हुई है। देखिए यहाँ पे बहुत सस्ते सामान मिल जाते हैं। और यहाँ बर्तन वगैरह और दूसरा कटलरी इतली सामान वगैरह मिलता है। जूते चप्पल सूटकेस वगैरह जैसे दिए आप देख पा रहे, बैग हैं और नए भी मिलते हैं। ऐसे नहीं नए भी कम मिलते मिल सकते हैं आप लोगों को। और ये बर्तन वगैरह भी देखना चाहें तो यहाँ लोटी लेनी थी मुझे भी, मैं भी लूँगा एक लोटी। भैया इसे छोटा लोटा है, इसे थोड़ा और छोटा, इसे छोटा। हाँ वो पीतल का आएगा। ये नहीं 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 वो इतना ही आएगा। ये कितना? 200 रुपया है। आप लोग और भी पर्दा वगैरह है, बहुत सारा आइटम है। अभी दुकान लगी रही, बुधवार है। और मैं आपको हमारे पटोले वो है कम्बल वगैरह भी लेना चाहते हैं तो कम्बल वगैरह भी मिल जाएगा यहाँ से। बहुत सारे आइटम मिल जाएंगे, जैसे आप जैसी जब की ज़रूरत है आप वहाँ यहाँ से आकर के ले सकते हैं। और ये देखिए अंडर गारमेंट्स वगैरह लेना चाहते हैं। मच्छरदानी है यहाँ पर और हम वापस घूम फिर के वहीं आ गए हैं। फिर आपको अगले वीडियो में बताते हैं राजकोट में और भी अच्छी जगह जा करके आपको यहाँ राजकोट का नज़ारा हम लोगों को दिखाएंगे। इसलिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर कर दीजिए। थैंक यू।